एक दिन जंगल का राजा शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला कि रास्ते में एक लोमड़ी अचानक से उसके सामने आ गई। लोमड़ी शेर को देखकर डर गई और उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने धैर्य रखकर उसने कड़े शब्दों में शेर से कहा कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा सा अचंभित हुआ। उसने लोमड़ी से पूछा कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं, ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। ये तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मारे जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने फिर से कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर लोमड़ी की इस बात के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर चलते देखकर जंगल के सभी जानवर डर कर भागने लगे। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ है। कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा कि तुम ठीक कहती हो, जंगल का राजा तुम ही हो। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब आपके सामने कोई अचानक से मुसीबत आती है तो उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, उस समय आपको धैर्य रखना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हरा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कैसा भी कठिन समय क्यों ना चल रहा हो और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। बस हमें उसे तलाशने की जरूरत है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे।